हेलो मेरे गार्डनर दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी कटिंग आपको रोड पर या रोड साइड या किसी के घर के बाहर बहुत आसानी से मिल जाएगी। बेहद ही खूबसूरत फूल देने वाले पौधे हैं और दोस्तों बेहद ही अच्छे दिखने वाले फूल होते हैं, आकर्षक फूल है और परमानेंट फूल है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। हमारा इस लिस्ट का पहला पौधा लांटाना का पौधा है दोस्तों। ये बेहद ही आसानी से मिल जाने वाला पौधा है। ये पौधा दोस्तों बहुत ही खूबसूरत फूल देने वाला पौधा है और ये अगर आप गांव के इलाके से रहते हैं तो खेतों के किनारे यूं ही लगा रहता है। इसकी कटिंग ला के लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। शहर में रहते हैं तो किसी पार्क में या किसी भी गार्डन के कोने पर या सड़क के बीच में डिवाइडरों पर दोस्तों यूँ ही लगा रहता है। आप इसकी छोटी सी कटिंग को ला के अगर सीधा मिट्टी में गाड़ भी देंगे तो भी इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी। बेहद ही खूबसूरत फूल देने वाला पौधा है और दोस्तों और एक ही फूल में मतलब एक ही पेड़ में आपको कई कलरों के फूल देखने को मिल जाएंगे बिना ग्राफ्ट करे, तो कितनी अच्छी बात हुई ना। तो इसे तो आपको कटिंग से लगाना बनता ही है। अगला पौधा हमारा पाउडर पफ का पौधा है दोस्तों। सरकारी जगह हो या कहीं पर भी हो, गार्डन हो, बहुत फेमस पौधा है ये जरूर लगता है। क्योंकि इसका पेड़ अगर ज़मीन में लगाया जाए तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इस पर फूल बहुत सारे आते हैं, फूल 12 महीने आते रहते हैं। कलर इसके 2-3 मिलते हैं और मल्टी कलर का भी मिलता है। इसका फूल देखने में एकदम रुई के तरह लगता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। कटिंग इसकी बहुत ही आसानी से चल जाती है, आपको डिवाइडरों पर बहुत आसानी से इसकी कटिंग देखने को मिल जाएगी। अगला पौधा हमारा देसी हिबिस्कस का है दोस्तों। मैं हाइब्रिड हिबिस्कस की बात नहीं कर रहा, मैं देसी हिबिस्कस की बात कर रहा हूँ जिसमें मुख्यतः पिंक, वाइट, रेड, पिंक और पीच कलर ये देखने को हमें मिलते हैं। इन पौधों की कटिंग भी आपको डिवाइडरों पर या किसी मंदिर के अंदर तो बहुत आसानी से मिल जाएगी और कहीं गार्डनों में कहीं पे भी आपको बहुत आसानी से मिल जाती है दोस्तों। डिवाइडरों पर भी गुड़हल काफ़ी ज़्यादा लगाए जाते हैं क्योंकि जो गुड़हल होता है इसका पौधा अगर ज़मीन में लगाया जाए तो काफ़ी बुशी और बड़ा हो जाता है। मेरे यहाँ के डिवाइडरों पर तो काफ़ी ज़्यादा गुड़हल लगे हुए हैं, रेड वाले, वाइट वाले, पिंक वाले। तो वहाँ से कटिंग लाइए और पौधों को बढ़ाइए, पौधों की संख्या बढ़ाइए। ये एक बहुत ही अच्छा काम है अगर आप कहीं से पौधे ला के उनकी कटिंग लगाते हैं। अगला पौधा मधुमालती का पौधा है दोस्तों। किसी के घर के बाहर मैंने इसलिए कहा था क्योंकि लोग अक्सर अपने घर की दीवारों पर ये पौधा हमेशा आपको चढ़ा हुआ मिल जाएगा जो घर की सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसकी कटिंग आप ला सकते हैं, बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाती है। बस इसकी कटिंग न्यू ग्रोथ हो तो और भी आसानी से ग्रो हो जाएगी और पतली कटिंग इसकी आसानी से ग्रो होती है। फूल इसमें गुच्छों की सूरतों में आते हैं और झुमके जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे झुमका बेल भी कहा जाता है दोस्तों। ये आपको डिवाइडरों पे नहीं तो किसी के घर के ऊपर चढ़ती हुई मिल जाएगी। छोटी सी डंडी ला के लगा देंगे तो आपके घर में भी फूलों की बरसात हो जाएगी और खूब सारे फूल आपको देखने को मिलेंगे। अगला पौधा चंपा का पौधा है दोस्तों। चंपा के बहुत ही नए नए कलर लोग अपने घरों के बाहर या फिर डिवाइडरों पे लगे रहते हैं और गार्डनों में तो दोस्तों सबसे फेवरेट पौधा है सरकारी जगहों का चंपा का। हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। एक कटिंग लाइए और उसे 1 से 2 दिन के लिए शेड में सुखाइए। उसके बाद किसी भी तरीके की मिट्टी में, चाहे वो चिकनी मिट्टी ही क्यों ना हो, उसमें इसकी कटिंग को लगा दीजिए। बहुत ही आसानी से दोस्तों ये इस पौधे की कटिंग लग जाएगी और कभी भी इसमें फेल नहीं होगी आपकी कटिंग। बस आपको 1 से 2 दिन के लिए सुखाना है। कटिंग आपको हर जगह इसकी देखने को मिल जाएगी, डिवाइडरों पर, सरकारी जगहों पर या कहीं गार्डनों पर। तो इसे भी आप ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में, बहुत ही खूबसूरत फूल है। अगला पौधा हमारा चांदनी का पौधा है दोस्तों। बेहद ही खूबसूरत पौधा और ये भी बहुत ज़्यादा लगाए जाने वाला पौधा है सरकारी जगहों पर, गार्डनों में और दोस्तों डिवाइडरों पर तो बहुत ज़्यादा लगा रहता है। सबसे ज़्यादा इसकी चांदनी की डबल वाली वेराइटी लगाई मैंने देखी है लगी हुई डिवाइडरों पर। तो उसकी कटिंग आप ला के लगाएंगे तो बेहद ही खूबसूरत आपका पौधा आपके घर में तैयार हो जाएगा जो बहुत सारे सफ़ेद सफ़ेद फूल देगा। कलर सफ़ेद ही आता है और बेहद ही खूबसूरत लगता है देखने में दोस्तों। इस पौधे
जो मैंने देखा है मंदिरों में, जो मंदिरों का बरामदा होता है, जो बाहर होता है ग्राउंड या गार्डन सा, उसमें बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। क्योंकि ये जब दोस्तों ये मार्च अप्रैल इसके फूल का मौसम है, और इस मौसम में ये इतना ज़्यादा फूल देता है, ये फ्लावरिंग प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देता है। और इसके नीचे अगर आप खड़े हो जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर पुष्पों की बारिश हो रही है। तो इसे आप कटिंग से ज़रूर लगाइए, बहुत आसानी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। अगला पौधा हमारा आँख या मदार का पौधा है दोस्तों। ये एक जंगली पौधा है जो आपको कहीं पर भी, अगर आपके आसपास झाड़ झाड़ वाड़ उग रही है, या फिर दोस्तों आपके आसपास डिवाइडरों पर भी ये उगा हुआ मिल जाता है, इसकी कटिंग आप ला के एक दिन मतलब कि कुछ देर कुछ घंटों के लिए सुखा के आप इसे लगा सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस पौधे में दोस्तों जहर होता है, तो छोटे बच्चे घर में हैं तो आप इस पौधे को ना लगाएं। इस पौधे का जो दूध होता है बेहद ही खतरनाक होता है, आँखों में पड़ जाए तो आँखों को अंधा भी कर सकता है। लेकिन ये एक जड़ी बूटी भी है, इस पर फूल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आते हैं और भोलेनाथ को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगला पौधा हमारा कनेर का पौधा है दोस्तों। ये पौधा तो मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि आपने ये डिवाइडरों पर देखा ही होगा, क्योंकि ये सरकार का सबसे फेवरेट पौधा है डिवाइडरों पर लगाने के लिए। रोड के जो बीच में डिवाइडर होते हैं, रोड को दो भागों में बांटते हैं, उस पर ये पौधे बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। इस मौसम में इस पर इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आती है, पूरा रोड एकदम महका देता है, क्योंकि दोस्तों इसके फूलों में से महक भी बहुत अच्छी आती है। इसकी कटिंग पानी और मिट्टी दोनों में बहुत ही आसानी से चल जाती है। तो आप दोस्तों इस पौधे की कटिंग ज़रूर लगाइए, और अपने घर में दोस्तों ये इस पौधे के कलरफुल फूलों से अपने घर को महकाइए। बस इसमें भी एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इसके जो पत्ते होते हैं उसमें भी जहर होता है, तो बच्चों को थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि वैसे भी ये ऊँचा पेड़ होता है तो बच्चे तो नहीं पहुँच पाएंगे ज़्यादा, लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ा दूर रखिएगा, थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। मदार जितना हानिकारक तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी। तो इस पौधे को आप अपने घर में गमले में ज़रूर लगाइए। हमारे आज का आखिरी पौधा है बोगनविलिया का पौधा। ये तो दोस्तों आपने किसी न किसी के घर पे चढ़ा हुआ देखा ही होगा, दीवारों की सुंदरता बढ़ाता हुआ देखा ही होगा। इस पौधे को आप बहुत ही आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं और अपने गार्डन पे, अपने घर पे कुछ इस प्रकार चढ़ा सकते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। लगभग कोई साल का ऐसा महीना नहीं होता जब इस पे फूल नहीं आ रहे होते, हर साल के हर महीने में इस पे फूल आ रहे होते हैं। तो इस पौधे की कटिंग, बस दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है कटिंग लगने में, बस 2 से 3 महीने का टाइम आपको इसकी कटिंग लगने में लगेगा। तो ये दोस्तों हमारे आज के कुछ पौधे थे जो आपको दोस्तों बहुत पसंद आए होंगे, कलरफुल पौधे जो आपको डिवाइडरों पर और सड़क के किनारे या फिर किसी के घर के बाहर आसानी से मिल सकते हैं। तो इनकी कटिंग आप लोग ज़रूर लगाइए और अपने घर को फूलों से महकाइए। फ्री के पौधे हैं ये दोस्तों। ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ, तो चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय।